किसान भाइयों, आपका स्वागत है किसान भाई चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा मच्छर की पतंगों से अपनी फसल को कैसे बचाएं, जो कि काफ़ी नुकसान करती हैं हमारे फसलों को, और इससे बचाएं कैसे। आपको कौन कौन सी तकनीकी आई है, टेक्नोलॉजी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्रॉप गाइड भी होता है, क्रॉप मस्क होता है, क्रॉप अब जैसे हमारे पास आपको हम दिखाएं। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं, कई चीज आते हैं, क्रॉप पैड भी आता है, अभी क्रॉप गार्ड हमारा कोरियर आएगा भी, वो भी दिखा देंगे एक आध वीडियो में आपको। देखिए अभी हमने लगाया था, इसे 2-3 दिन पहले लगाया था, इसमें देख सकते हैं आप कीट पतंगे बंद भी हो गई हैं, जो कि हमारे फसल को बहुत नुकसान करती हैं। और ऐसे लगाते कैसे हैं, इसमें क्या रखते हैं जिससे हमारी कीट पतंगे इसमें पैक हो जाती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। कौन सा कैप्सूल होता है, क्या होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, और लगा के भी दिखाएंगे किस किस खेती में यूज करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। कैसे इसको यूज किया जाता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, कैसे इसे पैक किया जाता है, इसमें कौन कौन से अभी कीड़े आ गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं निकाल के। कैमरा मैन से हम कहेंगे दिखाएं। ये कैप्सूल है, आप लोग देख सकते हैं ये कैप्सूल है, कैसे लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस टाइप से इसे निकालेंगे और ऐसा लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको ढक्कन को लगा देंगे इस टाइप से, देख सकते हैं आप, देखिए इस टाइप से लगा दिया इसे। और इसमें डंडे लगा देते हैं, यहाँ डंडे लगा के बांध देते हैं। कैसा डंडे लगा देते हैं हम ये भी दिखा देते हैं, हमने डंडे लगा दिए, डंडे को कितना गाड़ना है जमीन में ये भी दिखा देते हैं, जो इसका लेवल है जमीन तक आना चाहिए, कितनी गहराई वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो पन्नी का ये है नीचे का छोर वो जमीन में टच होना चाहिए। बहुत सी सोड़ी सोड़ी होती है और भी कीट पतंगे होती हैं, वो धीमे धीमे चढ़ के इसमें बॉक्स में पैक हो जाएगी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ खरबूजे की खेती में, कैसे लगाना है और कीट पतंगे हमारे कैसे फंसेंगे इसमें, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलिए अपने खरबूजे के खेत में आ चुका हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं ऐसे किस टाइप से लगाना है खरबूजे खेत में, वो भी आप देख लीजिए। और हमारा ये लगभग 6 से 7 दिन का क्रॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें 3-3 पत्ते आ गए हैं, 7 दिन पूरे हो चुके हैं इसमें, बढ़िया रिजल्ट है और कोई कीट पतंगे अभी आए नहीं है। आगे दिक्कत हुई है पत्ते खा गए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्रॉप गार्ड का यूज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्रॉप गार्ड से काफ़ी फायदे मिले हैं, मैं कई सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। इसका जो कैप्सूल होता है वो 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में काम करता है, और ये कैप्सूल आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है, किसी भी कीटनाशक के दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं कैसे लगाना है। चलिए जैसा कि हम लोग किसान भाई देखते हैं कि हमारे मल्चिंग के बीच में डिप लाइन होती है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि डिप लाइन क्रॉस ना हो आसानी से, उसमें पहले देख सकते हैं कि हमारी डिप लाइन तो नहीं आ रही है बीच में, तभी हम लोग उसे काटेंगे, इसका सावधानी जरूर दें। देख सकते हैं आप लोग, किसान भाई आप लोग देख सकते हैं जो मध्य होता है हम लोगों के मल्चिंग का बेड का जो मध्य होता है उसमें आपको गाड़ना है, और पेड़ के थोड़ी दूरी पर रखें आप लोग, जिससे हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि अभी किसान भाई हम अभी लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी डंडी काफ़ी लंबी है, इसलिए इसे छोटा कर लेते हैं तोड़ के।
आप लोग देख लें, लगभग ये 1 मीटर का आप लोग ले सकते हैं आसानी से। 1 मीटर है, काफ़ी बढ़िया काम करेगा, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा ऊंचाई नहीं चाहिए। आप लोगों का पन्नी का ये लगा है पैकिंग, इसमें टच होना चाहिए। जो कीट पतंगे होती हैं वो पन्नी के टच के माध्यम से ऊपर आएंगी और इसमें घुस जाएंगी, इसलिए आप लोग देख लीजिए ऊंचाई कितनी करनी है, अपने हिसाब से कर लीजिए आप लोग। हमारे क्रोबार्ड के बारे में जो आपने बताया कैसा लगा वो भी दिखाएं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें कैसा लगा। किसान भाई, आप लोगों ने देखा हमने अपना क्रोबार्ड लगा दिया है, और क्रोबार्ड लगा दिया है जब हमारा कैप्सूल होता है, किसान कैमरा मैन से हम कहेंगे कैप्सूल को भी दिखाएं, और जब हमारा ये बॉक्स फुल हो जाएगा तो यहाँ से धागा खोल के वैसे खाली भी करके फिर से धागा बांध के फिर से लगा सकते हैं। जो कि आप लोगों ने कैप्सूल लगाया है, इस कैप्सूल में क्या ऐसा है जो कीट पतंगे आ जाती हैं और पैक हो जाती है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जो हम लोग कीट पतंगे होते हैं नर होते हैं जो, तो उसमें फीमेल का मतलब रिएक्शन किया गया है, स्मेल दी गई है फीमेल, तो कीट पतंगे आती हैं उसमें फीमेल का खुशबू लेके आती हैं और इसी में पैक हो जाती है, पैक हो जाती हैं तो इसमें आकर्षित होती हैं, तो उसी के माध्यम से आती हैं ये। तो इसका जो कि रिजल्ट हमें देखने को मिला काफ़ी अच्छा मिला है, और हम तो यही सलाह दें, आप लोग भी लगाइए, यही हमारा कहने का मकसद है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा लगा है और कम लागत में अच्छे फायदे में है। किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।